हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं हरे प्याज की गर्मा गर्म कुरकुरी पकौड़ियाँ, जो कि तीखी, क्रिस्पी एंड बहुत ही लाजवाब लगती हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिया है हरा प्याज, हरी मिर्च, और मैंने बेसन लिया है, नमक, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च। हरे प्याज और लाल मिर्च को हम बारीक टुकड़ों में काट के हल्दी नमक के साथ इसे मिक्स करेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। कढ़ाई में मैंने तेल लेके गैस पे रख दिया है। अब देखिए तेल गर्म हो चुका है। अब हम गर्मा गर्म पकौड़ियाँ तलेंगे। तो पकौड़ियों का साइज़ हमें बहुत छोटा छोटा सा रखना है, नहीं तो ऊपर से पकौड़ियाँ पक जाती हैं और अंदर कच्ची रह जाती हैं। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और सारी पकौड़ियों को धीरे धीरे तेल में डाल देना है, और मीडियम फ्लेम पर ही हमें पकौड़ियों को तैयार करना है। सो फ्रेंड्स, जब तक पकौड़ियाँ तल रही हैं, मैं आपको बता दूँ, मेरी वॉइस आपको बहुत चेंज लग रही होगी, क्योंकि मुझे कोल्ड हुआ था, उसकी वजह से 2-3 दिन से मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। ये हरे प्याज की पकौड़ियाँ खाने में बहुत ही कुरकुरी और स्वादिष्ट लगती हैं, और ये हरा प्याज सर्दियों में ही मिलता है। और इन पकौड़ियों के साथ चाय का मज़ा ही कुछ और होता है। तो इसीलिए जब तक कि ये पकौड़ियाँ पक रही हैं, देखिए मैंने रख दी है चाय, और चाय हमारी उबलने लगी है, क्योंकि इन कुरकुरी पकौड़ियों को हम गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये रही हमारी गर्मा गर्म पकौड़ियाँ, जो बनकर तैयार हो गई हैं। और अभी थोड़ी सी पकौड़ियाँ और तलनी बाकी हैं, तो हम उन्हें भी तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे गर्मा गर्म अदरक वाली चाय के साथ। सो फ्रेंड्स, तीखी और कुरकुरी प्याज की पकौड़ियाँ तैयार हो गई है, और चाय मैंने तैयार कर ली है। चाय को मैं छान रही हूँ, और इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे पकौड़ियों को चाय और टोमेटो सॉस के साथ। तो देखिए, लग रही है ना एकदम लाजवाब। आप भी इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, खुद भी खाएं और सबको खिलाएं, क्योंकि ये पकौड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।